Meu nome é embarque em Degnus de Malsema. Sim. Sir. अच्छा वहाँ इनके यहाँ पहले एक हुआ करते थे मुश्ताक साहब, अच्छा जी वो सदर थे, तो उनका नाम उनको लोग कह रहे थे बार्किंग प्रेसिडेंट। अच्छा बड़ा घबराते थे इस बेचारे, तो ऐसे ये कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ बार्किंग है, तो वो जान के छेड़ने के लिए नहीं, वैसे ही मुंह से निकलता था कि अब ये हमारे बार्किंग प्रेसिडेंट है ये। तो एक दफा उनको छेड़ चुके थे लोग, इसलिए दिमाग में हमेशा उनके रहता था कि मुझे कह रहा है कि भौंकने वाला प्रेसिडेंट। लेकिन अब यू आर प्रेसिडेंट ऑफ बार्किंग है, है? बार्किंग एंड टेक्नम। अच्छा टेक्नम के साथ। मैं बार्किंग प्रेसिडेंट तो नहीं ना कहते आपको? नहीं। ठीक है, फिर आप नहीं कहते। घुमाइए हजूर, मेरा सवाल यह है कि एक चंद साल पहले एक वाकया हुआ था जो फुटबॉल के मैच में हंगामा हो गया था, हिल्डब्रा डिजास्टर के नाम से मशहूर है जी। तो उसमें एक लड़का कोमा में चला गया था जी, तकरीबन 3 साल में वो कोमा में रहा, मशीन के जरिए खाना देते थे उसको। तो बाद में जब, चूंकि उसका दिमाग तो फोत हो चुका था, तो उसके बाद वालदैन नाउम्मीद होके कोर्ट में चले गए फैसला लेने के लिए कि अब ये मशीन उतार लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मशीन उतार दी, तो उसके जो है वो 2 हफ्तों के बाद उसकी वफात हुई जी। तो 2 हफ्ते वो भूखा रहा बेचारा, तो क्या ये जायज़ है कि भूखा रख के? क्यों भूखा रखा उसको? मशीन तो उतार ली, मशीन से जिससे वो खाना देते थे। हाँ तो इसी मर चुका था दिमाग, तो जो गोश्त का लोथड़ा था उसने बेचारे ने क्या करना था, खाने की सलाहियत ही नहीं थी उससे। अल्लाह ताला ने नॉर्मल तरीके पे जो गिजा वगैरह के इंतजाम फरमाए हुए हैं, अगर कोई उनसे आरी हो जाए तो दूसरे तरीके से जबरदस्ती देना फर्ज नहीं है, समझे? खासतौर पर अगर दिमाग मर चुका हो, फिर तो लाश घसीटने वाली बात है। ऐसी सूरत में तो सजदा करना चाहिए खुदा के कि तेरा जो हुक्म आ गया ठीक है। ये जो आर्टिफिशियली लोग इस तरह जबरदस्ती मशीनों के जरिए घसीटते हैं लोगों को, मेरे नज़दीक सिर्फ उस हद तक जायज़ है जिस हद तक अभी दिमाग ना मरा हो और उसको दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजारने के इम्कानात मौजूद हों। उसके लिए दोबारा आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्कानात मौजूद हों। अगर ये ना हो तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे सब्जी उगी हुई है उसका क्या फ़ायदा, तो अल्लाह से तकदीर से लड़ नहीं सकता आदमी। मेरा मकसद है कि उसको तकलीफ नहीं होगी, जब जैसे हम अगर भूखे रहते हैं दिमाग मरा हो तकलीफ क्यों होगी? आपने तो बात ही इससे शुरू की थी दिमाग मर गया। ठीक है ठीक है।